हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गए भाई, बहुत गर्मी भी है और क्लास भी आज थोड़ा सा लेट हो गए। चले सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था तो हम लोग करते हैं क्लास को यहाँ पर शुरू क्वेश्चंस के साथ में। पहले से हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो चीकू ओके, विकास, राकेश, अच्छा जीत जी आप भी हैं, उषा ओके, साइलेंट ओके, इनोसेंट जी। चलिए तो सबसे पहले तो भाई एक लव्य अपना जो कि इवेंट आ रहा है, जिसने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और 1 अप्रैल सुबह 10 बजे देखना ना भूलिएगा आपके इस अपने स्टडी प्लान को हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, साथ ही बच्चों एमटीएस की एग्जाम की तैयारी के लिए आप या फिर आप दूसरे बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि वह प्रतिज्ञा बैच जो कि एग्जामपुर में आप लोगों को एमटीएस 60 कोड का यूज करने पर 60% डिस्काउंट के साथ में दिया जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको यहां पर पीडीएफ, सुपर नोट्स, आपकी बेस्ट फैकल्टी, आपके डाउट सेशन, सभी चीजें एकदम प्रॉपर अच्छे से जो कि है आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स यहां पर कवर कराए जाएंगे। बाकी आप लोगों को कोई और इंफॉर्मेशन लेनी है सो आप लोग हमारी कॉलिंग टीम के थ्रू यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉलिंग टीम का नंबर है कॉलिंग के लिए, और आप यहाँ पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग आंसर करना यहाँ पर शुरू कीजिएगा क्या हमारा आंसर रहेगा। चलिए वंदना, अच्छा चलिए सो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बच्चों यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हमारा आंसर रहेगा भाई? सबसे पहले तो आते ही क्लास में लाइक की घंटी बजा देनी है। ठीक है, फिर हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे अपने ज्ञान की। चलिए आदि, अच्छिया क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए सो क्वेश्चन है भाई हमारा यहाँ पे कि आरंभ में प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता डैस द्वारा की गई थी, बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो कि अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की गई थी, यह आप लोगों को बताना है। यदि मैं इसकी बात करूं तो 5 जनवरी 1966 में गठन किया गया था। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि है इसका गठन यहां पर किया गया था। ठीक है, और इसकी जो कि अध्यक्षता है वह किसने की थी, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। यदि मैं इसकी बात करूं तो अंतर राजकीय परिषद है उनकी स्थापना करना इसका कार्य था। साथ ही जो कि स्थानीय शासनिक निकाय है उन्हें सशक्त बनाना, और जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन करना इसका कार्य था। और कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष जो कि कौन है? मोरारजी देसाई है ना। सो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है, गणेश, बचपन का नाम क्या था? ये लास्ट में बताएंगे। ठीक है, बचपन का नाम क्या था लास्ट में करेंगे बातें, अभी पढ़ाई कीजिए। सो आंसर कीजिएगा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला यहाँ पर स्थान है, बताएंगे उसके बारे में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? मौसिन राम। यह कहाँ पर है? यह है मेघालय में। ठीक है, मेघालय की जो कि गारो खासी जयंती पहाड़ियां हैं वहां पे खासी वाले क्षेत्र में यह आपका है। ठीक है, यहाँ की यदि बात करें तो यहाँ पर 10,000 मिलीमीटर वार्षिक जो कि वर्षा है इसका औसत यहाँ पर रहता है। सॉरी, और सबसे ज्यादा अधिक वर्षा वाला जो कि क्षेत्र है यह भारत में ही है। यहाँ तक कि जो कि मेघालय का चेरापूंजी है यह भी दूसरे से सेकंड से थर्ड स्थान पर आता है सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? किस महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर आता है, बताएंगे क्या हमारा आंसर भाई यहाँ पर रहेगा, यह आप लोगों को बताना है।
क्या हमारा आंसर रहेगा? चलिए क्या हो जाएगा, देखो यदि मैं ग्रीनलैंड की बात करूं कि यह किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो यह नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का यह हिस्सा है। दसवीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने इसे बसाया था, जो कि यूरोपीय थे, यूरोपियों के द्वारा यह बसाया गया था। और 18वीं शताब्दी के दौरान जो कि डेनिश राजशाही है, उन्होंने इसके ऊपर अपना अपना क्षेत्र कब्जा लिया था। किसके ऊपर? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि हिस्सा है वह तो आपका आता है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ही यह हिस्सा है, पार्ट है। बट इसके ऊपर जो कि प्रशासनिक अधिकार है वह किसका है? वह है आपका डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का है इसके ऊपर प्रशासनिक अधिकार। अच्छा ये बताइए इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है, यह आप लोगों को बताना है। उसके बाद यदि मैं उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो यह कौन से नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप, ठीक है, ये फैक्ट बताएंगे जरा इसके बारे में, ठीक है, ये फैक्ट जरा आप लोग इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आप लोग मुझे बताएंगे इसके बारे में कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। मैंने डेनमार्क की राजधानी नहीं पूछा, देखो यदि मैं डेनमार्क की राजधानी की बात करूं तो जो गुप्ता जी डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मैंने आपसे ग्रीनलैंड की राजधानी पूछी है, गलत कर रहे हैं, आप लोगों से उम्मीद नहीं थी, नुक, क्या है, नुक, मैंने ग्रीनलैंड की राजधानी पूछी भाई आपसे, ये नहीं किया मैंने इसको कि यह ग्रीनलैंड की मुझे राजधानी बताइए, मैंने आपसे डेनमार्क की थोड़ी ना पूछा था। डेनमार्क की राजधानी की बात करूं तो डेनमार्क की क्या है, कोपेनहेगन, क्या है, कोपेन हेगन इसकी राजधानी है। और इसे आप ऐसे भी करके याद रख सकते हो, देखो आप लोगों को एक तरीका बताओ याद करने का, डेनमार्क, डेनमार्क में क्या रखा है, मार्क आ रखा है ना, मार्क, मार्क, ठीक है, तो जब हम कुछ काम करते हैं पेन से तो हमें मार्क करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क करते हैं ना, यहां पर भी मैं आपको आंसर बता रही हूं तो मैं मार्क कर रही हूं कि भाई ये आंसर है हमारे क्वेश्चन का, तो मार्क के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, मैं पेन से मार्क कर रही हूं ना, तो ये रहा पेन, पेन, ठीक है, तो मार्क आप किससे करेंगे, पेन से आप मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्क की राजधानी पेन से करके रिलेट कर सकते हो, डेनमार्क की कोपेनहेगन से रिलेट करके याद कर सकते हैं आप। सो मैंने आपसे पूछा कि भाई उत्तरी महाद्वीप कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले, ठीक है, जिसे कि माउंट डेनियल भी कहा जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि खेलों में जो कि डिकेथलोन में कितने एथलीट कार्यक्रम होते हैं, डिकेथलोन जो कि एक मतलब बोला जाता है जब कभी स्पोर्ट होते हैं तो बोला जाता है ना कि डिकेथलोन, डिकेथलोन बोला जाता है ना, तो एक्चुअल में इसने कितने एथलेटिक्स इवेंट होते हैं ये आप लोगों को बताना है, कितने एथलेटिक्स इवेंट होते हैं, ये आपका स्टैटिक का फैक्ट वाला ही आपका क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे क्या हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या अपना आंसर भाई रहेगा, यह आप लोगों को बताना है, बताएंगे नहीं नितिन, चलिए देखो इसमें आ जाता है आपका जैसे कि शॉर्ट आउट, शॉर्ट आउट आता है, ठीक है, शॉर्ट आउट आता है, डिस्कस थ्रो आता है, डिस्कस थ्रो, ठीक है, क्या आता है, डिस्कस थ्रो आता है, ऊंची कूद आता है, ठीक है, ऊंची कूद आता है, लंबी कूद आता है, लंबी कूद, ठीक है, पोल वॉल्ट आता है, पोल वॉल्ट, ठीक है, इसी तरह के आदि आपके इसके अंदर कितने इवेंट आते हैं, 10 आते हैं, कितने आते हैं, 10 आते हैं, याद रखना इसको, याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 10, कितने आते हैं इसके अंदर, 10 आते हैं, ठीक है, 10 आते हैं इसके अंदर, इस तरह से। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन है हमारा कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ठीक है, हमारे देश के लोह पुरुष, ओके, या फिर इंदिरा गांधी, है ना, या फिर जवाहरलाल नेहरू मतलब कि चाचा जी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, बताएंगे, हाँ 8, कोई बात नहीं, आपसे याद रखिएगा कि
एमआर बट ना यहाँ पे ये वाले आप स्पोर्ट अलग है, बट हाँ आप खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सो बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे यह दूसरे प्रधानमंत्री यह हमारे रहे हैं, सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी, सॉरी जो कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद यह हमारे दूसरे प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे। कब बने थे? यह बने थे 1964 से 1966 तक यह बने थे, ठीक है। ताशकंद समझौते के तहत इनकी एक विवादित तरीके से हत्या हो गई थी। इन्हें भारत के शांति पुरुष कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शांति पुरुष इन्हें कहा जाता है। यह गांधी जी को, मतलब कि महात्मा गांधी जी को अपने राजनीतिक गुरु, अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु यह उन्हें माना करते थे, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए कि इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, समाधि स्थल, इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है यह आप लोग मुझे बताएंगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि हमारे देश में सबसे पहले पर्सन है, सबसे पहले व्यक्ति है जिन्हें की मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। सो जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जी, बिल्कुल आने चले, क्वेश्चन के बारे में जल्दी से बताइए कि इनके बारे में आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे आंसर करके कि इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है। बहुत बढ़िया गोल, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? विजय घाट, ठीक है, क्या हो जाएगा? विजय घाट, विजय घाट। और कैसे याद रखोगे कि भाई बहादुर लोग कैसे होते हैं? विजय होते हैं। बहादुर लोग कैसे होते हैं? बहादुर लोग विजय होते हैं। इस तरह से बहादुर को विजय से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। सो अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हिंडोला महल और जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? विजय घाट जी, बिल्कुल। प्रवीण बस ठीक ठाक है, लग रहा है कि आज प्रॉपर हेल्थ से ही नहीं है, डिलीजेंट। मेरे ही नाम से है, आप सर्च कर लीजिएगा तो मिल जाएगा, मेरे ही नाम से है, ठीक है। आपको कोई भी इवेंट सर्च करना है तो सोनम मैम से करके, ऐसे करके आप सर्च कर लीजिएगा जो मिल जाएगा, या फिर सोनम त्यागी के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मरणोपरांत भारत रत्न जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहने, चलिए आगे चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से यहाँ पे बच्चों। ओ बहुत टाइम बाद दिखाई पड़े। सो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कहाँ पर यह है? मांडू क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में। वैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का गलत जा रहा है, मांडू वाला सही है, जिसने मांडू आंसर किया है सुरेश, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? मांडू, क्या हो जाएगा? मांडू, क्या हो जाएगा यहाँ पर? मांडू, इसके बारे में याद रखना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मांडू क्षेत्र। यदि मैं इसकी बात की यदि मैं इसके बारे में बात करूं, हिंडोला महल जो कि है, यह एक्चुअल में ना टी शेप में बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? टी शेप में, मतलब कि नीचे से बिल्डिंग जैसा और फिर ऊपर जाकर के जो कि इसका क्षेत्र है ना, यह काफी फैलाव में है। और आप लोगों ने हिंडोला देखा है, कभी आप लोग हिंडोले में बैठे हो? मैं बैठी हूँ, फर्स्ट और लास्ट टाइम बैठी थी, उसके बाद नहीं, नहीं वैसे एक बार और मैंने कोशिश की थी बैठने की, अपना डर बाहर निकालना है, फिर उसके बाद नहीं हुआ था। हम लोग जब गए थे शिवपुरी, जबकि हम कैंपिंग के लिए गए थे, सो एक सर भी बैठे थे कि आज मुझे एडवेंचर करना है, और वो फर्स्ट और लास्ट था। तो कुछ ना इस तरह से ही हिंडोले का मतलब होता है पूरा, मतलब झूलते रहना ऐसे करके, हाइट पर लेकर के। क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की? बताएंगे किस आयोग के द्वारा राज्य और केंद्र संबंधों की जांच की गई है? आंसर कीजिएगा। हिंडोला देखना चाहिए, एक बार तो एडवेंचर करना चाहिए, लेकिन अगर आप दिल के कमजोर हैं तो मत कीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सरकारिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आरएस सरकारिया, क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग। इसे जनरली सिर्फ सरकारिया आयोग भी कहा जाता है। और इसका गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था, इसका गठन किया गया था ताकि यह जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो कि यहाँ पे विवाद आते हैं ना चीजों को लेकर के, पैसे के बंटवारे को लेकर के और भी बहुत सी चीजों को लेकर के, वो कहते हैं हम खर्च नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम खर्च नहीं करेंगे। सो एक्चुअली इनके बीच में एक जो कि रिलेशन है उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, कि लड़ो मत, हम क्लियर कर देते हैं। टेबल टेनिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है?
आंसर कीजिएगा। टेबल टेनिस से संबंधित जो कि निकाय है वह कौन सा है? आंसर करेंगे क्वेश्चन का, बताएंगे। अच्छा शिव, आपको बड़ा पता चल गया। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सुमन। ओके बहुत बढ़िया, आप एप्लीकेशन में भी है ना? ओके मानी, कल वैसे आप लोग क्लास में नहीं थे भाई। ओके सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ITTF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन, क्या होती है? फेडरेशन, यह होती है। जैसे कि क्रिकेट है, ठीक है, क्रिकेट की सबसे बड़ी जो कि गवर्निंग बॉडी है वह कौन सी है? वह ICC है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही तो है ना, वही तो है। तो इसी तरह से जो कि टेबल टेनिस है ना, उसकी एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय जो कि उसके रूल्स रेगुलेशंस है ना, खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना, किसको अलाउ करना, किसको नहीं करना, कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, इस तरह से यह सभी चीजें यह देखते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं तो 1926 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान समय में स्टीव डेनटोन यहाँ के अध्यक्ष है, ठीक है, और लुसाने में इसका मुख्यालय है। और लुसाने कहां पर है? लुसाने कहां पर है? लुसाने है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, कहां पर है लुसाने? लुसाने है स्विट्जरलैंड में। और लुसाने में एक और अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, कौन सी है? ओलंपिक कमेटी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है कहां पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में ही है, जहां पर की टेबल टेनिस का भी क्या है, मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पर जाएंगे कि इनमें से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? वैसे तो भाई पढ़कर के आप लोगों को इजीली इसका आंसर कर देना चाहिए। एक्चुअली हमारे जो कि खेलो इंडिया है ना, यह भी अलग अलग इवेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, यूथ में होते हैं, ठीक है, तो ये जो इवेंट होते हैं ना ये भी अलग अलग होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, देखो असम में चाय का उत्पादन होता है, बल्कि भारत में अधिकांश जो कि चाय का उत्पादन होता है वह असम में ही है। उसके बाद दार्जिलिंग क्षेत्र में, भाई दार्जिलिंग की चाय को तो GI टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी यहाँ पर पसंद की जाती है। वो बात अलग है कि बाहर देशों में चाय का ही नहीं पता उन लोगों को। और उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी चाय के उत्पादन के लिए यह एरिया जाने जाते हैं, लेकिन जो कि कश्मीरी घाटी है, जो कि कश्मीर वैली है, यह चाय के उत्पादन के लिए फेमस नहीं है, बल्कि किसके उत्पादन के लिए? केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है यह क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर अधिकांश किसका उत्पादन होता है? चाय का उत्पादन होता है। यदि मैं चाय की बात करूं तो चाय को सूखी चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके उत्पादन के लिए, ठीक है, 20-30 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए, जहां पे कि इसका उत्पादन होता है, किसका? चाय का उत्पादन होता है। साथ ही यहाँ पर 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक वर्षा का होना भी आवश्यक है चाय की खेती के उत्पादन के लिए, ठीक है। अच्छा इसके साथ ही एक और आप बता दीजिए कि चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अभी हाल ही में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, अपनी सुबह 9:30 बजे वाली क्लास में कराया था, अगर आप क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो। CHSL में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। राहुल स्वास्थ्य तो सही है, बस लग रहा है कि जुकाम है। चलिए आंसर कीजिएगा आप जल्दी से, मुझे आप लोग बताएं कि यह कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हाँ अनुज, मैंने देखी है कश्मीर फाइल्स, देखी है, देखी मैंने दोनों फिल्म थी, कश्मीरी फाइल्स भी और राधा राधे श्याम भी, और फोटो मैंने राधे श्याम का डाल दिया तो उसमें बच्चे मुझे बोलते हैं कि आपने कश्मीरी फाइल्स नहीं देखी, आपको वो देखनी चाहिए थी। चले आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्या हो जाए, कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया सोनम, ओके सोनम भी है, दीपा ओके, सो स्नेहा बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल हाँ सही बात है। चाय बोर्ड के बारे में भी बता दीजिए, चाय बोर्ड कहाँ पर है? चाय बोर्ड इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यह तो 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है, और चाय बोर्ड की बात करेंगे तो कहाँ पर है? यह है कोलकाता, ठीक है। जैसे कि कॉफी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? कॉफी बोर्ड है बैंगलोर में, ठीक है। और अगर आपसे टबैको बोर्ड की बात की जाए, जो कि धूम्रपान बोर्ड है, टबैको बोर्ड, सो वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताएंगे कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है?
मतलब कि ये एक वोट पटांग नाम हमें दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका नॉर्मल नाम क्या है, हम किस नाम से इसे जानते हैं। हाँ, एक वास्तविकता दिखाता है क्या है, तो ऑफकोर्स मतलब वैसे मैं उसे फिल्म नहीं कहूंगी, मैं उसे एक हकीकत का दृश्य कहूंगी। फिल्म होती है जो कि जनरली जिसमें कि इमेजिनेशन वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन ये एक वास्तविकता रही है जीवन की। चलिए बताइए क्या हो जाएगा कि पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है। आंसर कीजिएगा भाई, क्या यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह है अमेरिकन कॉकरोच। क्या है, यह अमेरिकन कॉकरोच है, यह अमेरिकन कॉकरोच है। यदि मैं इस अमेरिकन कॉकरोच की बात करूं तो ये 5 से 4 सेंटीमीटर यह लंबा होता है। और यदि मैं कॉकरोच की बात करूं ना, सभी जो कि पृथ्वी पर कॉकरोच है उनमें उनका जो सरदार है, सरदार ही कहेंगे, जो सबसे बड़ा कॉकरोच है वह अमेरिकन कॉकरोच ही है। ठीक है, जैसे कि जंगल का जो कि से जंगल का जो राजा होता है कौन होता है, शेर होता है। उसी तरह से जो कॉकरोचों का सबसे बड़ा कॉकरोच देवता हुआ या राजा हुआ वह अमेरिकन कॉकरोच है। क्लियर, 5.4 सेंटीमीटर क्या होती है भाई यहाँ पर इसकी लंबाई होती है। साथ ही यदि मैं दूसरे सबसे बड़े कॉकरोच की बात करूं तो वह जर्मन कॉकरोच है। पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा जो कॉकरोच है वह जर्मन कॉकरोच है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों के बारे में, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई, साइज के अनुसार ना कि उम्र के अनुसार। ठीक है, हाइट वाइट लंबाई के अनुसार, खैर इन्हें लंबाई के अनुसार देखा जाएगा। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि होती है, जो वर्तमान समय में जो कि ओलंपिक खेल खेले जाते हैं, सबसे पहले ओलंपिक खेल खेले जाते थे 776 BCE के टाइम पर। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय की जो कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई यह 1896 में शुरुआत हुई है इन ओलंपिक खेलों की। तो यदि हम आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करें तो यह कितने दिनों के लिए अधिकतम खेले जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। नहीं नहीं, जर्मन वाला छोटा है, अमेरिकन वाला बड़ा है। चले क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 दिन के लिए मैक्सिमम यह खेले जाते हैं। ठीक है, यदि मैं इस बार के टोक्यो ओलंपिक की बात करूं तो यह कब खेले गए हैं, टोक्यो ओलंपिक यह किस दिन शुरू हुए थे, 23 जुलाई को यह शुरू हुए थे। ठीक है, कब तक खेले गए थे, 8 अगस्त को यह खेले गए थे। ठीक है, जो कि टोक्यो में खेले गए थे। तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 16 दिन की इनकी अधिकतम अवधि होती है, 16 दिन के अंदर यहाँ पर यह आपके खेले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। इसके साथ ही अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जब से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है उसमें से सिर्फ 2 बार इन्हें रद्द किया गया है, 2 बार। एक बार तो 1916 में रद्द किया गया था, एक बार 1940 में और एक बार 1944 में। ठीक है, 4-4 साल के गैप में, 4 वर्ष के अंतराल में इनका आयोजन किया जाता है। और अभी तक जब से इनकी शुरुआत हुई है, 1896 से इनकी शुरुआत हुई है, तब से लेकर के अभी तक इन्हें 3 बार रद्द किया गया है। 1916 में नहीं हो पाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, 1940 और 1944। हम जानते हैं कि 1939 से भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था जो कि 45 में जाकर के समाप्त हुआ था, तो इसलिए। ठीक है, सो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टीम गेम है, टीम गेम जो कि टीम में खेला जाता है, बताएंगे। मैंने कल वाली क्लास की पीडीएफ दी है, आप लोग जब एग्जामपुर, जी बिल्कुल कायशु, अगर आप एग्जामपुर एप्लीकेशन पर जाकर के देखेंगे ना, मैं आज ना उसकी डिटेल निकालती हूँ, फिर मैं कल आप लोग को पूरा ऊपर बताऊंगी कि कहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। बाकी पीडीएफ तो मैं देती हूँ आप लोगों को डेली, पीडीएफ में जो मेरी ये आपकी यूट्यूब की क्लास होती है ना, इसकी मैं डेली एप्लीकेशन पर पीडीएफ अपलोड कराती हूँ। पर मैं देखती हूँ अगर अपलोड नहीं की जाती होगी तो फिर एडिटर सर को पकड़ेंगे हम लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या हमारा आंसर रहेगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, खो खो। क्या हो जाएगा, खो खो। देखो जो यहाँ पे लंबित है, स्प्रिंट है, मैराथन है, यह इंडिविजुअल इवेंट होते हैं, टीम में नहीं होते, या फिर 2-1 के आसपास होते हैं जो कि 1-1 करके इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं, लेकिन जो मैदान में उतरते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9 उनकी संख्या यहाँ पर होती है। यदि मैं इसके ग्राउंड के बारे में बात करूं जो कि खो खो का ग्राउंड होता है, तो इसकी जो कि लंबाई होती है, जो लंबाई होती है वह तो होती है 29 मीटर,
ठीक है, इसकी लंबाई जो इसकी चौड़ाई होती है वह 16 मीटर इसकी चौड़ाई होती है खो खो के ग्राउंड की। ठीक है, इसमें यहाँ पर 8 खिलाड़ी बैठते हैं, 1 से लेकर के 8 बैठते हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है, कितनी दूरी पे यह बैठते हैं, 230 सेंटीमीटर की दूरी पर यह गैप बना करके यहाँ पर बैठते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और टोटल 12, लेकिन जो मैदान में उतरते हैं खिलाड़ी वह 9 होते हैं। ठीक है, चलो सो अगले क्वेश्चन पर आप आ जाते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के जो कि अध्यक्ष है भाई वह कौन है, आंसर कीजिएगा। ये एक आपका सबसे आसान वाला क्वेश्चन, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा हमारा। अभी देखिएगा साउंड आ गई आप लोगों को, साउंड आ गई है ना। चलिए भैया, आज गर्मी में बहुत बुरा हाल है, अपने नए ऑफिस में भी स्टार्ट नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा, बच्चों जल्दी से। अमिताभ कांदास, बिल्कुल। चलिए सो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, कितनी है वर्तमान समय में 22 है। जब हमारा संविधान बना था, मतलब कि लागू हुआ था, ठीक है, जो कि 26 जनवरी 1950 का हुआ था, उस समय हमारी कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी उस समय। ठीक है, उसके बाद जब सबसे पहला क्या किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में, तब सबसे पहली भाषा इसमें जोड़ी गई थी कौन सी, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा यहाँ पर जोड़ी गई थी। उसके बाद दूसरा एक और संविधान संशोधन हुआ था जो कि 71वां, कौन सा हुआ था यहाँ पर, 71वां होता, जो कि 1992 में हुआ था, और इस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसे कि NMK, मतलब कि नमक, मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, नमक के नाम से जानते हैं। ने से क्या हो जाएगा, नेपाली। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा यहाँ पे, मणिपुरी। और के से क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोंकणी, कोंकणी भाषा। यह 3 भाषाएं हैं जो कि जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी, 71वें संविधान संशोधन के तहत में यहाँ पे जोड़ी गई। अभी तो साउंड सही है ना, अभी तो साउंड भाई सही है ना। चलिए सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भाषाओं के बारे में। चलिए तो क्या हुआ था कि 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, फिर NMK नमक, मतलब कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी, फिर 4 भाषाएं और बाद में जोड़ी गई थी, जो कि कब, 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तब 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि है DBMS। कौन कौन सी भाषा है यहाँ पर आपका, डोगरी, बोडो, ठीक है, यहाँ पर मैथिली, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, संथाल। ठीक है, इस तरह से आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। और अब कितनी है यहाँ पे हमारी, 22 भाषाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे भारत में जो कि संसद में कामकाज किया जाता है, वहां पर, खैर अभी तो सभी 22 भाषाओं में अलाउ कर दिया गया था, बट इससे पहले क्या था कि 2 भाषाएं अधिकतर तौर पर यूज की जाया करती थी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश, इसीलिए इन्हें भारत की ऑफिशियल भाषा भी कह दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है, बताइए। बहुत सही गोलू, बहुत अच्छे। चलिए सो आगे बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, गोल्डी, ओके, उसकी यादव, ओके, डिम्पी। सो क्वेश्चन में बात कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर मनाया जाता है हर वर्ष, यह भाई नागालैंड में मनाया जाता है यह त्योहार, कौन सा है हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल।
हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो यह ऐसा नहीं है कि यहाँ का कोई कल्चर त्योहार है, जैसे कि अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है तो बहुत पुराने समय से चलते हुए आ रहा है, जो कि हमारे हमारे मतलब देश में 51 शक्ति पीठ है ना, उनमें से एक है वहां पर। तो क्या है कि नागालैंड में जो कि हॉर्नबिल त्योहार है, इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। इसलिए की गई थी, इसलिए कि ताकि जो ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, टूरिस्ट आए और वहां के रहने वाले लोग जो कि हैं, वहाँ के लोकल एरिया के जो कि लोग हैं, उनकी एक अर्निंग सोर्स बढ़े। भाई टूरिस्ट जाएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, सब चीजें उसे बाहर से तो जरूरत पड़ेंगी, हैंडीक्राफ्ट चीजें वह वहां से खरीदेगा, तो देखो लोकल एरिया को, लोकल में रहने वाले लोगों को कितना काम मिल गया वहां से कि उनकी इनकम हो सके। तो इसलिए 2000 में शुरुआत की गई थी हॉर्नबिल त्योहार की, जिसे कि नागा ट्राइब के द्वारा, जो यहाँ पे नागा ट्राइब रहती है, नागा जनजाति रहती है, उनके द्वारा यह मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है और दिसंबर में मनाया जाता है। लास्ट टाइम 2020 में ऐसा हुआ था कि त्रिपुरा राज्य ने भी इस हॉर्नबिल त्योहार को मनाया था। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम भी है। हॉर्नबिल जो की है यह एक पक्षी का नाम भी है, और जो हमारा केरल राज्य है और अरुणाचल प्रदेश राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों का जो कि राजकीय पशु है, जो कि राजकीय पशु है, वह कौन सा है? वह है हॉर्नबिल। कौन सा है? वह है हॉर्नबिल। ठीक है, याद रखना इनके बारे में भी। सो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हम लोग। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? बताएंगे बीहड़ क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, पाए जाते हैं क्या आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? चंबल। चंबल नदी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबल नदी में पाए जाते हैं। चंबल नदी की बात करते हैं तो यह है विंध्य श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह है विंध्य श्रेणी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के चाना पाव से यह आपकी निकलती है। इसके साथ ही चंबल की बात करते हैं तो किसकी सहायक नदी है? यह यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की यह सहायक नदी है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की जो कि खोज है वह किसने की है, बताएंगे भाई। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा रहने तो तीसरे राज्य का नाम बताओ जल्दी से। अच्छा सुनो, डकैत भी होते हैं। चलिए, यह है ना एक मुड़ावदार होता है नदी का, बीहड़ वाला जो एरिया होता है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, किसने खोज की है? मैं आपको चारों के बारे में ही बता दूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जोहान विलहेम रिटर, किसकी खोज की है इन्होंने? पराबैंगनी किरणों की। पराबैंगनी किरणों की खोज की है। ये आपके हरियाणा में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन, जो ये वाला है। इसके साथ ही विलहेम कॉन्डर रोंडगन, ठीक है, रोंडगन जो की है, इन्होंने किया है एक्स किरणों की खोज। किसके लिए जाने जाते हैं यह? एक्स किरणों की खोज के लिए भाई यहाँ पर यह जाने जाते हैं, याद रखिएगा। यदि इनकी बात करें तो इन्होंने 1895 में इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, जो कि ये एक्स रेज है, इनकी खोज की थी। और इसके लिए, इसकी खोज के लिए इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था इन्हें? इन्हें दिया गया था फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में इन्हें दिया गया था, याद रखना। फिजिक्स में सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें की नोबेल पुरस्कार मिला था वह यही थे। इसके साथ ही यहाँ पे आपको दिया गया है एंटोनी हेनरी बेकरेल, इन्होंने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की खोज इन्होंने की थी। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जाने जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के लिए। गुरुत्वाकर्षण के लिए यह जाने जाते हैं, ठीक है। चारों के बारे में ही याद रखना, आपसे अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक जो कि कामसूत्र है यह किसने लिखी है? यह किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक के बारे में आप बताएंगे भाई, किसकी यह पुस्तक है? चलिए क्या हो जाएगा, किसकी यह पुस्तक है? देखो कालिदास की बात करते हैं, सो
ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में लवर टाइप के लोग नहीं हुआ करते थे, हुआ करते थे। अगर आप लोग पढ़ेंगे, इनकी लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। वो तो बात अलग है कि लोगों ने आज के टाइम में बदनाम किया हुआ है लोगों को। सो कालिदास जी रहे हैं, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मैं कहूंगी मैक्सिमम लव स्टोरीज हैं। मालविका अग्निमित्रम हुई या विज्ञान शकुंतलम हुई, लव स्टोरीज तो है वह। तो खैर और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि मेघदूतम है, ऋतु संहार है, वह सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। भारत के शेक्सपियर यह कहे जाते हैं, ठीक है, शेक्सपियर यह कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन यह रहे हैं, उनके दरबार में यह रहे हैं। उसके बाद वसुमित्र की बात करते हैं, जानते हैं वसुमित्र, वसुमित्र की बात करते हैं, यह अग्निमित्र के पुत्र रहे हैं, अग्निमित्र के पुत्र रहे हैं, और अश्वमेघ यज्ञ के लिए यह जाने जाते हैं, जिन्होंने कि अश्वमेघ यज्ञ किया था। महाकश्यप की बात करते हैं, सो यह गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यह गौतम बुद्ध के शिष्य रहे हैं। और सबसे पहले जो कि बौद्ध संगति की गई थी, सबसे पहले जो कि राजगृह में की गई थी, उसके अध्यक्ष यह रहे थे। उसके बाद बात करते हैं वात्स्यायन, तो ये इस पुस्तक के रचयिता है, सबके सब लव स्टोरी सबसे ज्यादा लिखा करते थे। सो क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? आज के टाइम में कहते हैं मूवीज ने बिगाड़ दिया, पहले के टाइम में भी तो बुक्स होती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे? वात्स्यायन ने भी कुछ लव स्टोरी से लिखी है। चलिए सो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा अगले क्वेश्चन का आंसर, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके जो कि अध्यक्ष यहाँ पर है कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। यदि मैं बात करूं नेशनल डेवलपमेंट NDC की, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की यदि मैं बात करूं, तो इसकी स्थापना कब की गई है? 1952 में, 1952 में इसकी स्थापना की गई है। और जब कभी पंचवर्षीय योजना में सलाह की जरूरत पड़ी है, तो वह क्या हो जाएगा कि भाई वह आकर के नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से अपनी एडवाइस ले सकते हैं। जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, जो कि लास्ट आपकी 2017 में खत्म हो गई थी, 2012 से 2017 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना चली थी, तो इसकी जो कि सलाहकार थे वह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही उनकी सलाहकार थी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ डैश है, क्या है? चलिए नहीं, सलाहकार एज अ एडवाइजर, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी को आवश्यकता पड़ती है सलाहकार की, है ना, उस तरह से। बहुत सही है, क्या हो जाएगा? स्ट्रम्बोली, क्या हो जाएगा? स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली की बात करते हैं, तो इटली से दूरी पर एक द्वीप है जिसका नाम है, जिसका नाम है टायरानियन सागर, सॉरी सागर है टायरानियन सागर, इटली से यह है, थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है, मतलब कि अगर किसी देश के सबसे नजदीक की बात करूं तो इटली के आसपास यह पड़ता है, तो यहाँ पर है स्ट्रम्बोली। इसे प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका मेडिटेरियन सी में ये जो कि आपकी ज्वालामुखी है ना, तो अक्सर ये सक्रिय, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और अक्सर लगातार यहाँ से लावा बाहर निकलता रहता है। तो जब रात के टाइम किसी ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो कैसा लगेगा कि लाइट जल रही है, है ना, तो प्रकाश स्तंभ बोला जाता है इसीलिए इसे, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि रिले शब्द डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है रिले शब्द? अच्छा पवन, चले क्वेश्चन का भी आंसर कीजिएगा, क्या हमारा आंसर हो जाएगा? दीपक धन्यवाद, चलिए भाई लाइक कर देना आप लोग। ओके नितिन, हाँ फाइनली आप मिल गए। रहने मुझे समझ नहीं आया आपको, चलिए सो आंसर कीजिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिले, रिले के बारे में बताना है, रिले किससे संबंधित है, रिले का जो कि यूज है भाई वह किस चीज में यहाँ पर किया जाता है? रिले का शब्द रेस से होता है, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दौड़ से, जो कि ग्रुप में दौड़ की जाती है ना, रिले ग्रुप में होता है ना भाई, एक डिस्टेंस मेंटेन की जाती है ना, और फिर यहाँ पर जो होते हैं वह है ना, यहाँ पर जो कि रनर होते हैं वह यहाँ पर खड़े होते हैं, जो कि अलग अलग इवेंट यहाँ पर हो गए,
इसके लिए भी प्लेग्राउंड बना देते हैं, ये भी खड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिले बोला जाएगा, ठीक है, जब ग्रुप में दौड़ की जाती है। ग्रुप का मतलब ये होगा आपका। क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश जोड़ता है, क्या जोड़ता है, मतलब किसको कहां तक यह जोड़ता है यह बताना है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि सेंट पीटर्सबर्ग को कहां से कहां तक जोड़ता है बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वही मैंने पक्षी भी बताया था, हॉर्नबिल, बिल्कुल। चलिए क्या हो जाएगा, व्लादी वोस्तोक, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, व्लादी वोस्तोक, व्लादी वोस्तोक। यदि मैं इसकी बात करूं, ट्रांस साइबेरियन की बात करूं, तो यह वर्ल्ड में सबसे लंबे रेलवे लाइन के लिए जाना जाता है। यदि मैं विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात करूं तो कौन सी है, वह ट्रांस साइबेरियन है। इसकी लंबाई कितनी है, 11,263 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और यह विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन के लिए यहां पर जाना जाता है, याद रखिएगा। यदि मैं इनकी बात करूं तो 1891 से 1916, मतलब कि 1891 से 1916 के बीच में जो कि सेंट पीटर्सबर्ग है, इसे व्लादिवोस्तोक से जोड़ा गया था, ठीक है, और कहां पर है, यह है रशिया में। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्रथम अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था बताएंगे। स्नेहा बिल्कुल, चलिए सोनिया, शांति आंटी गांव में मिलेंगी, नहीं एनिमल नहीं है, मैंने एनिमल तो नहीं बता दिया आप लोगों को, मैंने वैसे पक्षी बताया था, रुको, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये पक्षी है, सॉरी गलती से मैंने पशु लिख दिया था, वो थोड़ा सा पक्षी पशु में थोड़ा सा हिंदी में हो जाता है ना, ये एक्चुअली बर्ड है, सॉरी भाई, इसके लिए बर्ड कीजिएगा, ये बर्ड है, क्या है, बर्ड, बर्ड है वो, बर्ड, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बर्ड कर लीजिएगा, तो यहां पे आप लोगों को बताना है कब किया गया था, कब यहां पर किया गया था बताएंगे, क्या हो जाएगा। देखो आर्टिकल 263 के तहत कहा गया है कि हमारा जो कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं यदि जरूरत होती है तो वह इंटर स्टेट काउंसिल का गठन यहाँ पर कर सकते हैं, और सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल का गठन 1990 में किया गया था, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन है कि महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा वो पशु पक्षी में हो गया ना, बर्ड और एनिमल ज्यादा सही है, बर्ड याद रखना, हॉर्नबिल एक बर्ड है, मैंने वो बेचारा उड़ने वाला है और मैंने उसे दौड़ने वाला बना दिया, वो भी देखेगा तो गुस्सा हो जाएगा। चलिए सो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, सो क्वेश्चन हमारा क्या आंसर रहेगा भाई, यहाँ पे आपने बताना है। चलिए क्या हो जाएगा, देखो कहां पर रूल किया है, गुजरात में रूल किया है। यदि हम महमूद बेगड़ा की बात करते हैं तो 1458 में जब यह 12 वर्ष की उम्र था तभी इसे गद्दी पर बैठा दिया गया था, 12 वर्ष की उम्र में ही इसे गद्दी पर बैठा दिया गया था, और इसका दरबारी कवि था उदयराज, उदयराज के बारे में सुना है, उदयराज जो की है वह उदयराज जो की है वह क्या है, वह महमूद बेगड़ा का क्या था यहाँ पर, राज दरबारी कवि यहाँ पर रहा है, जिसने कि महमूद सूरतन चरित, महमूद सूरतन चरित जो कि संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है, इसकी रचना की है, जिसमें उदयराज ने जो कि महमूद बेगड़ा है इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं, ठीक है, वह इसलिए ही तो उनके जीवन के बारे में लिखते थे कि राजा खुश हो, और खुश होकर के देखा है पहले क्या होता था कि जब किसी राजा के घर में बेटे का जन्म होता तो वह खुश होकर के कि दाई को भाई सोने से तोल दिया जाए, ये दिया जाए, तो राजा खुश होकर के करता था, इसीलिए यह लोग ज्यादातर राजा की तारीफ करते थे। चले क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है। चले
बताएंगे यह किस खेल से संबंधित है, इनके बारे में आप लोगों ने बताना है। आंसर कीजिएगा भाई, क्या हमारा आंसर रहेगा, क्या हमारा आंसर रहेगा, बताएंगे बताएंगे क्या रहेगा। खाशाबा जादुई दादा साहेब, ये वो नहीं है मानी, आप गलत कर रहे हैं। चलिए खाशाबा जाधव की बात करते हैं, यह बिलोंग करते हैं कुश्ती से, रेसलिंग से यह बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1926 में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने कि व्यक्तिगत तौर पर कोई पदक जीता था, मतलब कि इंडिविजुअल कोई मेडल जीता था। इन्होंने 1952 में जब ओलंपिक गेमों का जो आयोजन है वह हेलसिंकी में हो रहा था। अब ये हेलसिंकी कहां पर है, ये फिनलैंड देश की राजधानी है, फिनलैंड देश की राजधानी है। तब इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज पदक जीता था, उसके साथ ही यह पहले भारतीय बन गए जिन्होंने कि व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल तौर पर कोई मेडल जीता था। कौन यहाँ पे, खाशाबा जाधव। इसके साथ ही इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिनका नाम है ओलंपिक, ओलंपिक वीर, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ओलंपिक वीर खाशाबा, खाशाबा जाधव, खाशाबा जाधव, जो कि संजय, जो कि संजय, जो कि संजय दुराने ने लिखी है, जो कि संजय दुराने ने लिखी है, ठीक है। याद रखें इनके बारे में बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, क्योंकि भाई इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, बताना है। लाइक इंस्टाग्राम गोलू, चलिए हाँ बिल्कुल वही है, हाँ बिल्कुल रहने। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भाई, क्या हमारा आंसर रहेगा, बताएंगे आप लोग। समय भी हो गया, बाकी समय से क्लास में आया करो, सभी के सभी आप लोग लेट होते हो, मैं समय से आती हूँ, आप लोग लेट होते हो। आज वैसे थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी क्लास में, बट कभी कभी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। बाकी भाई जो कि सुबह 9:30 बजे वाली क्लास होती है ना, जो बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, वो स्पेशली इस क्लास को कीजिएगा, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और 10 बजे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है, जो कि इस वीक हमें 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अच्छे से समझ कर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, जीएसटी की बात कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। एकीकृत जीएसटी अंतरराज्यीय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर लगाया जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या कर दिया गया है, एक टैक्स यहाँ पर कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष तक मुआवजा मिलेगा और वेट विधि से जीएसटी वसूल किया जाएगा, ये भी सही है। जो कि हमारा वेट मेथड है उसे क्या किया जाएगा, जीएसटी को यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष तक मुआवजा मिलेगा, यह भी सही है। यहाँ पे आपका ना बी ऑप्शन गलत होगा इसमें जीएसटी में, ठीक है। बाकी भारत में बात करें, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था जीएसटी को, और सबसे पहला राज्य जिसने की अपनाया था वह कौन सा था, असम था, और लास्ट राज्य जिसने अपनाया था वह जम्मू कश्मीर था। और विश्व में सबसे पहला देश कौन सा था जिसने कि जीएसटी को अपनाया था, जीएसटी जिसने कि जीएसटी को अपनाया था। आपसे गलत कथन के बारे में पूछा था, विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। जो कि विशेष महत्व है माल का वह अभी भी बना हुआ है, चीजों को लेकर के कहां से ही फिर पैसे कमाएंगे, ये सभी चीजों को बंद करेंगे तो। पहला देश बिल्कुल सही बात है फ्रांस, जिसने कि इस कॉन्सेप्ट को अपनाया था, जीएसटी वाले कॉन्सेप्ट को। 27 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज आल्सो नोन द डार्क कॉन्टिनेंट, द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है। ये भाई आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से क्लास को लाइक कर देना। आज 27 क्वेश्चन हमने किया है, कल को यहां से आगे शुरू करेंगे 28 से, ठीक है। 28 से हम लोग कल अपना स्टार्ट करेंगे, अच्छी आयुष। चलिए रॉयल जाट आंसर कीजिए भाई, सो क्वेश्चन का आंसर कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, अफ्रीका।
नितिन मैंने आपका रिप्लाई देख लिया है, क्या हो जाएगा भाई? अफ्रीका। क्यों कहा जाता है अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट? कोई बताएगा अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो कि अर्थव्यवस्था है, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों का रंग डार्क होता है तो वह डार्क कॉन्टिनेंट के लिए जाने जाते हैं। डार्क इन दिस सेंस मतलब कि मेलनिन जब बहुत ज्यादा होता है इनकी बॉडी में, जो मेलनिन हार्मोन होता है ना, जो कि मेलनिन एक हार्मोन होता है, ये हमारी बॉडी में कलर को वो करता है। जैसे कि किसी की बॉडी में बहुत कम मेलनिन है तो उसका कलर फेयर होगा, और जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है। बट ये है कि जिसकी बॉडी में ज्यादा होता है उसे स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने साइंस में ये चीज पढ़ी भी होगी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डार्क होते हैं तो उन्हें डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ की जो कि अर्थव्यवस्था ना, वह काफी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था की वजह से ही इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है कि यह अंधकार में है। ठीक है, सो चलिए आज की क्वेश्चंस हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। यहाँ से हम लोग कल अपने आगे स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई, क्लास को लाइक कीजिएगा। और हमने जो ये आज नई सीरीज शुरू की है 300 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि हमें 6 घंटे में कंप्लीट कर लेने हैं। 1 घंटा आज का, फिर कल 1 घंटा, देन नेक्स्ट इस वीक में 6 घंटे के अंदर हमें इस क्वेश्चन सीरीज को पूरा करना है। ठीक है, तो बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, बताइएगा। अच्छा भानु, देखो अगर मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी ना भानु, तो फिर मुझे स्पीड पकड़नी होगी। स्पीड समझते ना, जल्दी जल्दी। और अगर मैं जल्दी जल्दी करके कराऊंगी तो कुछ बातें जो मैं आपको समझा रही हूँ, है ना भाई, मेरे माइंड से भी कुछ चीजें स्किप हो जाएंगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी रहेगा आपको कराने के लिए, और बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि आज की स्पीड सही रही। बाकी आप लोग और मुझे एक बार ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर कुछ चीजों में करेक्शन करना हो तो। ठीक है, बाकी हॉर्नबिल एक पक्षी है, पशु नहीं है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। राहुल शांत रहा किया कीजिए तो गुस्सा नहीं आएगा, अपने लक्ष्य को याद रखा किया कीजिए। चलिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।